Hello everyone, I am Rosan, your English teacher. Welcome back to my channel. I hope you are well and staying happy at home. Before I start the video, I request all of you please subscribe to my channel and click on my bell icon to get notified of my new videos. So, kids, today we will recite and understand the poem from a book that is Marigold book. First of all, tell me this have you collected a sale?

शंख देख रहे हो ना ये कहाँ हमें प्राप्त होता है ये हमें समुद्र में ही प्राप्त होता है क्योंकि हमारे समुद्र में बहुत सारे जानवर रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इस शंख के अंदर होते हैं और ये जो शंख दिखाई दे रहा है ना आपका ये उसके ऊपरी परत होता है और वो जब जीव मर जाता है तो ये हमें शंख प्राप्त हो जाता है टुडे वी विल रीड यूनिट फोर सी सॉन्ग नाउ लेट्स स्टार्ट सी सॉन्ग I found a sail, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the sail there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big sail. and here it's singing toe it means देखिए यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं i found a snail a curly one देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता है जस्ट लाइक यू आप लोग की तरह ही है ये समुद्र के किनारे जाता है तो उसको एक शंख मिलता है जो कैसा रहता है कर्ली टाइप का रहता है जैसे आपका बाल कर्ली होता है ना घुंघराला होता है वैसे ही उसको एक शंख मिला lying on the sand वो कहां था रेत सेंड मतलब होता है रेत बालू उसको बालू पर पड़ा हुआ मिला टूक इट होम उस लड़की ने क्या किया उस शंख को उठाया और उठाकर वो लेकर घर चला गया कोल्ड इन साइड माई हैंड और उस जब वो शंख को अपने हाथ में लिया था तो उसका हाथ बहुत ही ठंडा हो गया था क्योंकि जब शंख को आप लोग अपने हाथ में लोगे ना तो वो बिल्कुल ठंडा रहता है और इसलिए हमारे हाथ भी ठंडा हो जाता है हमें बिल्कुल कोल्ड फील होता है क्योंकि ये हमें समुद्र में मिलता है बालू में भी अक्सर आप देख सकते हो और उसको आप अपने हाथ में टच करोगे तो आपको फील होगा मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन मम्मी ने यानी जब वो बच्चा घर लेके जाता है तो उसकी मम्मी देखती है और तभी हेल्प इट टू माई करती है उस शंख को लेती है और उसके कान के पास ले जाती है एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग जैसे वो उसके कान के पास लेके जाती है तो उस शंख में से एक आवाज आता है यानी गाने की आवाज आती है Soft and sweet and clear. वो बिल्कुल soft था बहुत ही अच्छा बहुत ही मधुर आवाज में उसको सॉन्ग सुनाई दे रहा था आई वॉज सरप्राइज आई लिस हार्ड यानी कि जब वो उसकी माँ जब कान के पास लेकर के जाती है और उसको जब सॉन्ग सुनाई देता है तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित था वो सोचता है कि अरे ये कैसे हो सकता है इस संख में से हमें गाना कैसे सुनाई दे रहा है रियली really ट्रू लेकिन सच में ये वास्तविक था सच में वो उसके कान में सुनाई दे रहा था अगर आपके पास भी अगर शंख होगा तो उसको आप अपने कान के पास लेकर के जाओगे तो आपको भी सुनाई देगा आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग सेल तभी वो लड़का दुआ करता है यानी कि प्रार्थना करता है कि काश ऐसा भी हो कि आप लोग को भी एक बड़ी सी सेल मिले शंख मिले एंड हियर इट सिंगिंग टू और आप लोग भी उस सॉन्ग को soon pao i hope you all understand we meet in the next video bye bye and take care